नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का DHP न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है तारीख 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार। हिमाचल प्रदेश की आपको महत्वपूर्ण खबरें बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की बड़ी खबरें। हिमाचल में 15 फरवरी से बारिश बर्फबारी होने के आसार, 136 सड़कें अभी भी ठप। हिमाचल प्रदेश में 14 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। 15 फरवरी से प्रदेश में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में 136 सड़कें और 42 पेयजल योजनाएं ठप रही। शुक्रवार को प्रदेश भर में धूप खिली रही। प्रदेश में बीते दिनों ही बर्फबारी और बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। लाहौल स्पीति में 92, शिमला में 17, कुल्लू में 11, मंडी में 11, चंबा में 4 और सोलन में 1 सड़क बंद है। लाहौल स्पीति जिले में 27, चंबा में 11 और शिमला में 4 पेयजल योजनाएं ठप है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 14 फरवरी से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया है। इसके चलते 15 फरवरी से मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है। हिमाचल NIT की 2 छात्राओं का नामी कंपनियों में चयन, जाने वार्षिक पैकेज। हिमाचल प्रदेश के NIT हमीरपुर की 2 छात्राओं को मौजूदा शैक्षणिक वर्ष की प्लेसमेंट प्रक्रिया में शानदार पैकेज मिला है। एक छात्रा अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट में 1 करोड़ से अधिक पैकेज हासिल करने में सफल हुई है। एक अन्य छात्र ने भारत में प्लेसमेंट के लिए इस वर्ष का उच्चतम पैकेज हासिल किया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अंतिम वर्ष दोहरी डिग्री कार्यक्रम की छात्रा पारुल बंसल को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पद के लिए मेटा लंदन UK से 1.20 करोड़ का पैकेज मिला है। वह हरियाणा के यमुनानगर जिले की रहने वाली है। उनके पिता मोहिंदर कुमार बंसल व्यवसाय करते हैं, माता अरुणा बंसल गृहिणी हैं। वहीं बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष की छात्रा अनन्या शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने 41,50,000 रुपये का पैकेज ऑफर किया है। यह NIT हमीरपुर के इस प्लेसमेंट सत्र के लिए भारत के भीतर सबसे बड़ा ऑफर है। उनके पिता प्रोफेसर राकेश शर्मा राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में बाल रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। ग्रेट खली के भाजपा में शामिल होने से हिमाचल की राजनीति में खलबली। दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली के भाजपा में शामिल होने से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई है। भाजपा ने इससे न केवल पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले वहां कांग्रेस को झटका देने का प्रयास किया है, बल्कि इस घटना से आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लक्षित किए हैं। खली हिमाचल भाजपा के चुनाव प्रचार के लिए भी उपयोगी साबित होंगे। हालांकि दिल्ली में भाजपा ज्वाइन करने के बाद अपने गृह क्षेत्र सिलाई से विधानसभा चुनाव लड़ने से उन्होंने साफ इनकार किया है। जिला सिरमौर की तहसील शिलाई की नैनीधार पंचायत के थिराइना गांव के निवासी WWE के पूर्व स्टार दिलीप सिंह उर्फ द ग्रेट खली गुरुवार को नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हुए तो इससे प्रदेश में खूब सियासी हलचल रही। कांगड़ा एयरपोर्ट में युवाओं को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एयरपोर्ट में इंडिगो कंपनी की फ्लाइट के लिए कंपनी तैयारियों में जुट गई है। कंपनी ने कांगड़ा के कई स्थानीय युवाओं से आवेदन मांगे थे। कंपनी इन युवाओं से संपर्क साध रही है और उनकी पुलिस वेरिफिकेशन मांग रही है। जल्द ही कंपनी के पदाधिकारी कांगड़ा आकर युवाओं के इंटरव्यू करेगी। इधर कांगड़ा एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट और एयर इंडिया के अलावा अब इंडिगो कंपनी के फ्लाइट शुरू होने से पर्यटन को नए पंख लगेंगे। फ्लाइटों की संख्या बढ़ने से दिल्ली से कांगड़ा और कांगड़ा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भी किराए में थोड़ी राहत मिल सकती है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की लंबे समय से बात चल रही है। इसके लिए कई बार सर्वे भी हो चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब कई फ्लाइट कंपनियां कांगड़ा के लिए अपनी उड़ानें शुरू करने की तैयारी कर रही है। बाबा की नगरी में गिरा बरगद का 700 साल पुराना पेड़, 4 दुकानें ध्वस्त। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर में शुक्रवार को 700 साल पुराना बरगद का पेड़ अचानक गिर गया। इससे मंदिर के रास्ते पर भगदड़ मच गई। जड़ों सहित पेड़ के गिरने से पैदा हुई आवाज़ को सुनकर दुकानदार दुकानें छोड़कर मौके से भाग निकले। भारी भरकम पेड़ जैसे ही दुकानों पर गिरा तो 4 दुकानें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वहीं साथ लगती करीब आधा दर्जन दुकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। बरगद का यह पेड़ साथ में माता के मंदिर के लेंटर पर आकर रुका। गनीमत रही कि इस भयानक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दुकानें ध्वस्त होने से करीब 25 लाख से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। शुक्रवार के दिन श्रद्धालुओं की आवाजाही कम होने के चलते यह बड़ा हादसा बाल बाल टल गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने PG कोर्स के नतीजे घोषित करने का क्रम शुरू कर दिया है। VV ने शुक्रवार को एक साथ 4 MSc कोर्स के अंतिम सेमेस्टर के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसे विद्यार्थी अपने लॉगिन ID का प्रयोग कर देखने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। VV ने MSc भूगोल, MSc बॉटनी, MSc जियोलॉजी के परिणाम घोषित कर दिए हैं। MCOM का परिणाम भी जल्द घोषित करने की तैयारी है।
वीवी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जीएस नेगी ने कहा कि अब पीजी के चार कोर्स के अंतिम सेमेस्टर के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। एक सप्ताह के भीतर अन्य पीजी कोर्स के अंतिम सेमेस्टर के परिणाम को भी घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। शीतकालीन स्कूलों में 17 फरवरी से शुरू होंगी 9वीं से 12वीं की कक्षाएं, छोटे बच्चों पर कैबिनेट लेगी फैसला। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों में 17 फरवरी से 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। 15 फरवरी तक इन स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां दी गई हैं। 16 फरवरी को सरकारी अवकाश है। ऐसे में 17 फरवरी से स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बनाए गए SOP के तहत नियमित कक्षाएं लगेंगी। 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बुलाने का 14 फरवरी को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा। प्रदेश सरकार ने बीते दिनों ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाना शुरू कर दिया है। अब शीतकालीन स्कूलों में भी 17 फरवरी से इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगेंगी। उधर पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाने या ऑनलाइन ही पढ़ाई जारी रखने को लेकर 14 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। हिमाचल में 2 फर्मों समेत 14 शराब दुकानों के लाइसेंस निलंबित। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सिरमौर में 2 फर्मों के नारकोटिक्स ड्रग्स उत्पादन के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इसके अलावा हमीरपुर में 13 और कांगड़ा में 1 दुकान भी सील की गई है। इन दुकानों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए हैं। विभाग ने NDPS अधिनियम में अनियमितताएं मिलने पर यह कार्रवाई की है। आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग ने जिला सिरमौर स्थित 2 फर्मों द्वारा NDPS अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद तैयार न करने एवं बिक्री में अनियमितताएं पाए जाने के कारण 2 फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके MD-6 लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त ने बताया कि इसके अलावा विभाग ने जिला हमीरपुर में 2 लाइसेंस धारकों के अवैध शराब के कारोबार में संलिप्तता पाए जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके हमीरपुर स्थित 13 दुकानों को सील कर उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। वहीं जिला कांगड़ा में भी निरीक्षण के दौरान दुकान में अवैध शराब मिलने पर दुकान सील कर उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। HRTC की अनियंत्रित बस सड़क से लुढ़ककर पहाड़ी पर लटकी, अटकी सांसें। हिमाचल के कुल्लू जिला में एक HRTC की बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी पर लटक गई। हादसे के बाद बस में चीखों पुकार मच गई। हादसा जिला कुल्लू के सैंज घाटी के रेला में हुआ है। बस में 28 के करीब यात्री मौजूद थे। हालांकि हादसे के बाद बस यात्रियों को बस के शीशे तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हादसे की सूचना मिलते पुलिस और निगम अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। मिली जानकारी के अनुसार HRTC की बस कुल्लू से रेला की तरफ जा रही थी। इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सैंज के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में पहुंचाया गया है। इस बस में चालक संजय कुमार और कंडक्टर मनोज कुमार तैनात थे। बताया जा रहा है कि बस जहां पहाड़ी पर लटकी थी वहीं नीचे गहरी खाई थी। अगर यह बस खाई में गिरती तो एक बड़ा हादसा हो जाता और कई लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन गनीमत है कि बस पहाड़ी पर लटक गई और बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए। रैला के पास पहुंचते ही अचानक बस के चालक को चक्कर आ गया, जिसके चलते चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से बाहर उतरकर पहाड़ी पर जा लटकी। बस के पहाड़ी पर लटकते ही बस में सवार यात्रियों में चीखों पुकार मच गई। कोरोना पॉजिटिव नशा तस्कर फरार मामले में 5 पुलिस जवान निलंबित। सिविल अस्पताल पांवटा साहिब के कोविड वार्ड से नशा तस्करी के एक आरोपी के फरार होने के मामले में 5 पुलिस जवानों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पुलिस जवानों के खिलाफ पुलिस विभाग ने विभागीय जांच भी बैठा दी है, जिसकी जांच का जिम्मा संगड़ा के DSP शक्ति सिंह को सौंपा गया है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार पुरवाला पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में हरियाणा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद तीनों आरोपियों के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे। इन्हीं में से एक आरोपी वीरेंद्र की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद आरोपी को पांवटा साहिब सिविल अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती करवाया गया था। पुलिस के 5 जवान आरोपी की देखरेख के लिए तैनात किए गए थे, लेकिन आरोपी 9 फरवरी को पुलिस कस्टडी से सिविल अस्पताल से फरार हो गया, जिसके बाद से पुलिस टीमें हरियाणा व उत्तराखंड में आरोपी की तलाश कर रही है। जिला की ESP बबीता राणा ने बताया कि आरोपी के सिविल अस्पताल से फरार होने के मामले में पुलिस के 5 जवानों को निलंबित किया गया है, साथ ही उनके खिलाफ मामला दर्ज कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में DSP संगड़ा शक्ति सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। हिमाचल में शुक्रवार को फिर 9 लोगों की गई जान, 499 लोग पॉजिटिव। हिमाचल में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को 9 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है, जिसमें अकेले शिमला जिले में ही 5 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में शुक्रवार को 499 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 702 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक हुए हैं। वहीं हिमाचल में अभी 4132 एक्टिव केस मौजूद हैं। सबसे अधिक कांगड़ा जिला में 140 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा मंडी में 91, शिमला में 51, चंबा में 47, हमीरपुर में 43, बिलासपुर में 32, सिरमौर में 23, सोलन में 22, ऊना में 22, कुल्लू में 19, लाहौल स्पीति में 6 और किन्नौर जिला में 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
शिमला में 5, मंडी में 2 और कांगड़ा हमीरपुर में 1-1 कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।